स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप सभी कैश लोन प्रो एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप सभी को लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या आप सभी को इंटरेस्ट चार्ज लगाए जाएंगे, क्या प्रोसेसिंग चार्ज आएगा, कितने दिनों के लिए आप सभी को यहाँ पर लोन जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा, लोन अमाउंट जैसे कि लिखे हुआ है 2000 से 20000 रुपये तक का लोन यहाँ से आप सभी को जो कि प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप सभी इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करना है, सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप सभी को बताते हैं कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को आना है प्ले स्टोर के ऊपर। आने के बाद आप सभी सर्च करेंगे, कैश लोन प्रो लिख करके सर्च करेंगे। इसका लोगो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसी एप्लीकेशन को आप सभी को यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल 5 लाख से प्लस लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं। वहीं रेटिंग की बात करें 4.2 का इसका रेटिंग है, जो कि तकरीबन 2000 से अधिक लोग रिव्यू किए हैं। रिव्यू पढ़ना चाहे तो नीचे आकर के आप सभी रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई से पहले थोड़ा अवार्ड फीचर आप सभी को बता देते हैं, टर्म एंड कंडीशन यहां पे थोड़ा दिखा देते हैं, उसके बाद अप्लाई का प्रोसेस भी आप सभी को बताएंगे। तो इसके अंदर आप सभी को लोन अमाउंट 2000 से लेकर के 20000 रुपये तक का जैसे कि लिखे हुआ है वो मैं आप सभी को डिटेल से बताता हूँ कि 2000 से 20000 रुपये तक का यहाँ से ये एप्लीकेशन आप सभी को लोन जो कि प्रोवाइड करेगा। लोन टेनर रीपेमेंट समय की अगर बात करें तो कम से कम 100 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिनों के लिए। इंटरेस्ट की बात करें तो 10% से 33% पर एनुअल के हिसाब से लगाए जाएंगे। जो लिखा हुआ है वो मैं आप सभी को डिटेल्स बता रहा हूं। तो अगर आप सभी यहां पे लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी का एज कम से कम 19 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 ईयर्स होना चाहिए और इंडियन पर्सन होना चाहिए। आप सभी के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और मंथली सोर्स इनकम भी आप सभी का कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आप सभी यहाँ पे जो कि लोन के लिए एलिजिबल होंगे, लोन ले पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है अगर आप सभी यहां से 2000 रुपये का लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट आप सभी को 10% लगाए जाएंगे। 100 दिनों के लिए लोन अगर आप सभी को मिलता है तो आप सभी का यहां पे टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 55 रुपये। आप सभी को टोटल रीपेमेंट करना होगा 2055 रुपये। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुआ है। तो चलिए अब मैं आप सभी को अप्लाई का प्रोसेस जो कि बताते हैं। तो मेरा इंस्टॉल है, इसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप सभी ओपन वाले पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप सभी को लोन अप्लाई करने के लिए देखेंगे मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे भी लिखे हुआ है कि 20000 रुपए तक ही आप सभी को जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डालेंगे। गेट ओटीपी वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। आप सभी के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप सभी को यहाँ पे डालकर लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। जैसे तो चलिए मैं फटाफट ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फिर से आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से ही पेज ओपन होगा। फिर से आप सभी को अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक करना है। करने के बाद अब आप सभी को यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि सबसे पहला डिटेल आप सभी को यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे ऊपर आप सभी को फुल नाम डालना है, वही नेम डालेंगे जो आप सभी के आधार कार्ड के ऊपर है, वही नेम आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेकंड स्टेप में फिल करना है, उससे नीचे जेंडर, मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में। उसके बाद नीचे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर आप सभी शादीशुदा है तो मैरिड वाले पे, सिंगल है तो सिंगल वाले पे। उससे नीचे आप सभी को अपना एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कितना पढ़े लिखे हैं। उससे नीचे यहाँ पे आप सभी को अपना ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। तो चलिए ये स्टेप फटाफट हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। तो अब यहाँ पे आप सभी को वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आप सभी को फुल टाइम काम करते हैं तो फुल टाइम में, पार्ट टाइम करते हैं तो पार्ट टाइम में, अपने हिसाब से आप सभी यहाँ पे जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सभी का योर मंथली सैलरी वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सभी अपना रेंज जो कि सिलेक्ट कर लेंगे, जितना कमाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आप सभी अपना मंथली रेंज जो कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना कर लेते हैं। उसके बाद कन्फर्म वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों अब आप सभी को उसके बाद आप सभी का मंथली फैमिली इनकम क्या है वो रेंज यहाँ पे आप सभी को सिलेक्ट करना है।
तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फिर से कंफर्म वाले पे क्लिक करेंगे। तो ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप सभी को नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आप सभी को यहाँ पे बैंक का इन्फॉर्मेशन जो कि फिल करना है, तो सबसे पहले आप सभी को अपना IFSC कोड यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद बैंक नेम यहाँ पे फिल करेंगे, उसके नीचे ब्रांच नेम यहाँ पे फिल करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। करने के बाद आप सभी को सबमिट वाले पे क्लिक करना है। तो चलिए ये स्टेप फटाफट हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप सभी के सामने सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन लिखकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोरो नाव का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अब आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब आप सभी को अपना अमाउंट जो कि सिलेक्ट करना है, जितना अमाउंट लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर 3000 का अमाउंट लेते हैं, तो यहाँ पे लोन टेनर भी दिया हुआ है, 100 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन या 180 दिनों के लिए भी ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप सभी यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डेज भी अपने हिसाब से जो कि सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद आप सभी को बोरो मनी का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करना है। तो करने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी का लोन डिटेल सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे लोन अमाउंट हो जाएगा 3000 रुपए, लोन टर्म हो जाएगा 100 दिन, इंटरेस्ट लगेंगे 246 रुपए, रिपेमेंट अमाउंट करना होगा 2947 रुपए और सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे करना होगा 299 रुपए। यानी कि 299 रुपए यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर पहले ही आप सभी को जो कि पेमेंट करना होगा लोन लेने के लिए। सो गाइस, तो यहाँ पे आप सभी को 299 रुपए पहले ये एप्लीकेशन जो कि पेमेंट मांग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ तो क्या पता ये एप्लीकेशन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा, इसका कुछ पता नहीं है। सो गाइस, जो भी जेन्युइन एप्लीकेशन होता है, जो भी प्रोसेसिंग चार्ज या इंटरेस्ट वगैरह काटना होता है, पहले ही काट करके जो भी अमाउंट होता है अकाउंट में जो कि क्रेडिट करता है। बट ये जो एप्लीकेशन है पहले आप सभी से पेमेंट मांग रहा है 299 रुपए। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इस एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट पहले नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई भी जेन्युइन एप्लीकेशन जो है वो पहले पेमेंट नहीं लेता है। तो आप सभी को सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप सभी सब में जो कि पहले पेमेंट करेंगे, अगर पहले ही आप सभी को लोन देता है तो इंटरेस्ट वगैरह प्रोसेसिंग चार्ज देख लेंगे, उसके बाद ही आप सभी जो कि कंफर्म करेंगे। तो मुझे यहाँ पे पहले ही 299 रुपए जो कि मांग रहा है। तो इससे आगे का स्टेप मैं आप सभी को कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा। मैंने इस एप्लीकेशन का सारा डिटेल आप सभी को रिव्यू करके दिखा दिया हूँ कैसे आप सभी अप्लाई करेंगे, बट ये एप्लीकेशन 299 का अमाउंट पहले मांग रहा है, इसलिए मैं यहाँ से आगे का स्टेप कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा। अगर आप सभी ज्यादा इमरजेंसी में है, लोन लेना चाहते हैं, तो जहां से मैं खुद लिया हूँ वहां से अगर आप सभी लोन लेना चाहते हैं, तो आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहां पे आप सभी को 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ के लिए लोन मिल जाता है। कोई भी अमाउंट पहले आप सभी को डिपॉजिट नहीं करना होता है, पहले डायरेक्ट आप सभी को प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह जो है वो कट करके ही आप सभी के बैंक अकाउंट में अमाउंट जो कि क्रेडिट करता है। जेन्युइन एप्लीकेशन है तो वहां से आप सभी ट्राई कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।